सलाम अलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तजा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आरा बाज़ार में आया हूँ तो आपको नर्सरी का नाम भी बताऊँगा जो इनके पास प्लांट्स हैं। ख़ास तौर पर जो लोग ज़्यादा पूछते हैं, मैंने काफ़ी पहले भी प्रोग्राम आरा बाज़ार में आकर किए हैं तो लोगों की कंप्लेन होती है कि जी आप इनके रेट नहीं बताते हो। तो रेट तो नर्सरी वालों ने बताने होते हैं। मैंने हाँ ये मैं कर सकता हूँ कि उनसे मैं पूछता हूँ तो वो रेट आपको बताएँगे। जो मोर पंख है ये तकरीबन आरे बाज़ार की दो तीन ही नर्सरी हैं जिन पर ये आया हुआ है। अगर आप मोर पंख लेना चाहते हैं या इंडियन डेलिया लेना चाहते हैं, इसके अलावा इनके पास खाली पॉट्स भी हैं और गुलाब भी इनके पास माशाल्लाह गाछियों में भी आपको मिल जाएगा, गाछी के अंदर भी है, उसके अलावा गमलों के अंदर भी लगाया हुआ है। जो इस नर्सरी के मौजूद माली हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और आपको वो रेट बताएँगे। तो आप समझ लेना, अगर आप आकर ले अगर आना चाहेंगे तो आपको नर्सरी का नाम बता देते हैं। मोहसिन अब्बास नर्सरी का नाम है। तो आरे बाज़ार की तरफ से अगर आप आएंगे तो ये तकरीबन आखिरी नर्सरी से पहले आएगी, ठीक है। सब नर्सरियाँ आपने छोड़ते आना तो आखिर में जब आएंगे तो आखिर वाली नर्सरी से थोड़ा सा पीछे वाली नर्सरी ये है। मोहसिन अब्बास नर्सरी का नाम है। तो मैं माली से बात करता हूं तो वो आपके आपको बताएगा इनके रेट वगैरह। सलाम अलैकुम जी, क्या हाल है सर? अच्छा जी, सर आपका नाम? तारक महमूद। तारक साहब, आपने को दो तीन चीज़ों के नाम बताने हैं और इनका जो रेट है वो भी बताना है। हमारे जो व्यूवर हैं अगर आकर लेना चाहें तो एड्रेस भी मैंने उनको बताया है। तो इंडियन डेलिया जो है, इसके आपके पास ये जो कलर नज़र आ रहे हैं, आपने इनका रेट क्या है आपका? रेट भाई 250 से लेकर 240 तक मिल जाएगा आपको। क्या 250 रुपये इसका रेट है? हाँ जी। और आपको ये 240 रुपये का आपको मिल जाएगा। जो लोग ये आम नर्सरियों पर जाते हैं तो उनको 400-500 रुपये का अगर इंडियन डेलिया अगर इंडियन डेलिया जो है ना, तो जी ये आपको रेट बताएंगे। अच्छा ये दिखाना जी ज़रा, ये सारे थोड़ा सा उसी बोल रहे हैं कलर। अच्छा इसके कलर आपको कौन से चाहिए वो कलर मिल जाएंगे आपको? कलर अच्छा मिल जाएंगे। अच्छा ये वाला जो कलर पर आपने हाथ रखा है, मैंने पहले भी प्रोग्राम किया, ये कलर नया कलर है ऐसा ही है? हाँ जी, रेड कलर में। हाँ ये जी रेड कलर वाला जो है नया कलर आया, इसके साथ ये भी कलर है और ये भी कलर, काफी कलर, 10-12 कलर हमारे पास पड़े हैं ये वाले। अच्छा जी ये भी देखें जी, बिल्कुल फ्रेश है ये। मैं आपको जरा करीब करके दिखाता हूँ, माशाल्लाह ये देखें जी। तो कितना इनका, और येलो, और ये भी साथ में अभी खिल रहा है। हाँ जी खिल रहा है, और ये भी रेड और। अच्छा जी ये है। अच्छा जी इनकी रेट इन्होंने बताए जी अपना 240 रुपए का ये आपको दे देंगे। अच्छा जब ये इसके फूल ख़त्म हो जाते हैं तो थोड़ा सा भाईजान आप इसके ना, इसका जो बल्ब होता है उसको संभाल के ठंडी जगह पे रखना है, ठीक है। अगले साल वही पौधा, ये गमला गमले में लगाएं डेली बल्ब, उसका अगले साल फिर दोबारा आपका पौधा तैयार हो जाएगा। दोबारा से तैयार हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा वो दोबारा से उसके अलावा मोर पंख पड़े हमारे पास जी, मोर पंख भी दिखा दें ज़रा इस साइड से ही आ जाए। ये जी मोर पंख जी दिखाना, ये मोर पंख हमारे पास है, ये नए गमले में लगाया भाई। ये मैं जी एक मिनट की आपको चेक करवा देता हूँ। ये जो है ना मोर पंख जो है बिल्कुल ज़बरदस्त, इसकी ग्रोथ भी बेहतरीन है। तो भाई जान अच्छा इसे छोटे भी हैं, वो आगे बड़े हैं मेरा ख्याल? छोटे वाले भी हैं, जो बड़े हैं ये 1000 रुपये मिल जाएगा। अच्छा वाला इसकी प्राइस क्या आपने बताई है? इसका 1000 रुपया। अच्छा 1000 रुपया इसकी प्राइस है? हाँ जी। तो छोटे वाला 200 रुपये का है। अच्छा और उसके अलावा ये गमला छोटा बड़ा, ये बड़ा वाला पौधा, इसके नीचे गमला छोटा है। अच्छा ये वाला 600 रुपये मिल जाएगा भाई आपको। अच्छा ये पौधे की हाइट कह रहे हैं जी कि काफ़ी है, लेकिन ये 600 रुपये में मिल जाएगा। तो आपको पता भी है कि एक दो दिन जो आज का कल का दिन जो है, ये अक्सर लोग क्रिसमस पर लेके जाते हैं तो इनके पास ये मोर पंख अच्छे आ चुके हैं। अगर आप आकर अगर लेना चाहें तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ ये जो पैरी फैक्स। अच्छा ये जो आपको दिखा रहे हैं ये डिज़ाइन वाली है?
ये 24 इंच गमला जो लगा हुआ है जी, ये 20,000 का एक पौधा है, 20,000 रुपए का एक है जी। तो जो 40,000 की है, ये जोड़ी पड़ी है, एक ये है और एक ये है जी। अच्छा, ये माशाल्लाह जी इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो आप तारक भाई भाईजान, आप ये गुलाब भी चेक करवा दें ज़रा। ये जी गुलाब इनके पास जो है ये खुद ही माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है, गमले में लगा हुआ 12 इंच में जी जी। ये वाला आप 300 से लेकर 250 तक मिल जाएगा भाई। अच्छा, ये वाला गुलाब 12 इंच गमले में लगाया आपने। ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी कलर जो है इनके पास है, ये वैसे अच्छा कलर है, ये भी अच्छा कलर है। इसके अलावा जी ये कलर जो चेक करवा रहे हैं जी, ये देखें माशाल्लाह कितना इसका अच्छा कलर है। ये नया कलर ये भी है, ये भी डोडी खिल रही है। अच्छा, अभी ये खिलने वाला है। अच्छा, ये कितनी कीमत बता रहे थे आप? 300 का, 250 का, 250 रुपये का, ठीक है। इसके अलावा ये दुनिया की पनीरी हमारे पास पड़ी है, पनीरी जो है, ठीक है जी, ये है जी। पनीरी आप यहाँ ही खड़े होकर बता दें, पनीरियाँ आपके पास कितनी वैरायटियाँ हैं? हमारे पास कम से कम 10 वैरायटियाँ पनीरी की, 10 वैरायटियाँ आपके पास हैं जी भाई। अच्छा, तो इसमें ट्रेनम है, पटोनिया है, उसके अलावा वो फ्लाक्स पड़ी है, डेलिया पड़ा है, शफी पड़ी है, ट्रेनम पड़ी है, और डाइजेस पड़ा है, वो स्पीड विलियम पड़ी है। अच्छा, ये देखें जी, ये सैकुलेंट लाया है, सैकुलेंट। अच्छा, ये वाले, ये सैकुलेंट जो है नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे का फोटो, ये वाली, इसमें ये कलर भी निकल रहा है इसका। अच्छा, ऑरेंज कलर इसका है। अच्छा, ये अभी तो ये लग रहा है जैसे येलो का, येलो का, येलो कलर है इसका। अच्छा जी, ये ऑरेंज बाद में कलर चेंज करेगा, बाद में चेंज करेगा। अच्छा जी, ये मोहसिन अब्बास नर्सरी का नाम है, तो इनके पास अगर तो हम लोग अगर आपको वेजिटेबल सब्जियाँ भी आपको अगर टोकरी में लगी हुई तैयार आपको मिल जाएंगी, वो भी ज़रा जी चेक करवा दें। अच्छा जी, ये बताएं जी वेजिटेबल सब्जियाँ, ये रॉकेट सलाद है भाई। अच्छा, रॉकेट सलाद है, सोए लगाए ने, सोए पैसले लगाई है। अच्छा जी, आगे सलाद पत्ता लगाया हुआ है, सलाद है, प्याज लगाए ने, प्याज, रेड सलाद है, रेड सलाद, वो आगे पुदीना है, पुदीना लगाया हुआ है, वो गाजर लगाई है। ये माशाल्लाह टोकरियों के अंदर लोग पूछ लेते हैं जी, कोई टोकरी के अंदर लगी हुई वेजिटेबल सब्जी अगर हो तो। आलू लगाया है, पुदीना लगाया है। अच्छा, ये आलू है, ये आलू भाई है, ये वाला। अच्छा, ये दो टोकरियों में लगाए हैं आलू आपने, और ये भी सलाद है, और ये सलाद पत्ता पड़ा हुआ है, ये साइलेंट पड़ा हुआ है, साइलेंट। अच्छा, और शिमला मिर्च लगाई है भाई। अच्छा, वो शिमला मिर्च भी आपने टोकरी में लगाई हुई है, और चैरी टमाटर भी लगाया हुआ है, चैरी टमाटर की तरह वो है, ये वाला पड़ा। अच्छा जी, ये चैरी टमाटर है, ये आगे भी काफ़ी है जी तकरीबन, तो इस तरीके फिर ये फाल केरिया है, और इसके अलावा ये फैक्सें भी पड़ी हैं पीछे भी, माशाल्लाह काफ़ी आपकी वैरायटी है आपके पास। अच्छा जी, तो ये जो शेड के नीचे वाले पौधे हैं जी, ये कौन हमारे पास पड़ी है? अच्छा, ये कौन फैकस है हमारे पास? कौन फैकस ये वाली है? अच्छा, एक ये है जी, दो है जी जी, ठीक है। और ये गोल्डन पाम पड़ा हुआ 18 इंच में। अच्छा, ये वाला, हाँ जी। चले भाई, मैं ना ये, अच्छा वो पाम भी है, बनाना पाम, क्या पाम आ गया जी, ये बनाना पाम हमारे पास पड़ा हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये पौधे भी इनके पास 6-7 हैं, लेकिन अच्छे बने हुए हैं। ये देखें आगे भी ये चेक करवा रहे हैं, तो वीडियो की काफ़ी इस तरीके लेंथ जो है ना वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर मैं आपके कमेंट के मुताबिक इंशाल्लाह किसी दिन फिर भी जो है ना मज़ीद प्रोग्राम करूँगा। हाँ जी, ये पाम पड़े भाई हमारे पास, कैन पाम है, कैन पाम पड़े, रुबीनिया पाम पड़ा है, बैत पाम पड़े ने, माशाल्लाह ये काफ़ी वैरायटी है। अच्छा, तो बाहर के वो जो पौधे हैं थोड़े से चेक करवा दो। ये साइक्लोमैन हमारे पास पड़ा है, साइक्लोमैन, साइक्लोमैन है जी। इसको ये पानी, इसको पानी कम लगाए, ये चढ़ता रहता है, पानी वाटरिंग इसको कम लगानी है, ठीक हाँ। है, इसको रखना किस जगह पे? धूप पे रखना है या छांव पे? धूप पे रखना है। तो ये इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 200 रुपया प्राइस की है, 200 रुपया इसकी प्राइस है। तो जी ये जो माली साहब ने बता दिया है, जो मौजूद इधर खुद होते हैं, तो इंशाल्लाह आप इनके पास आएँ
तो ये आपको अच्छा गाइड भी करेंगे और आपको जो रेट वगैरह वो भी बिल्कुल जायज़ लगाएंगे। तो मैंने आपको नर्सरी का नाम बता दिया, तो इंशाल्लाह आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह लेजे बाबा।